पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। छापेमारी की जा रही है, हम लोग जो है लिस्ट बना रहे हैं इसका। अच्छा ठीक है, इसके बाद जो है सील होगा दुकान। दुकान सील होगा, कितने दुकानों पर कार्रवाई की गई है? अभी तो चार दुकान है, चार दुकानों पर। हाँ, पटाखा दुकानों पर निरंतर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि मुजफ्फरपुर बिहार के उन चार जिलों में सम्मिलित है जिसमें ग्रीन पटाखा को भी प्रतिबंधित किया गया है। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई पटाखों की दुकान को सील किया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बिहार में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चार जिलों में पटाखा का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि उसकी बिक्री नहीं होगी, ऐसा आदेश मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया था। जिसके बाद लगातार मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा जो है अवैध फटाखा की बिक्री को लेकर छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में आज अहले सुबह एक बार फिर SDM ईस्ट अमित कुमार और ASP टाउन भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में शहर के छाता बाजार में जो पटाखा मंडी है वहां पर रेड की गई है। तीन दुकानों में अवैध रूप से पटाखे की बिक्री की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई है और फिलहाल उसे सील करने की प्रक्रिया चल रही है। छापेमारी के दौरान जो पटाखे मिले हैं उसको जब्त किया जा रहा है। आज तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल की मौजूदगी है और अंदर जो मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा जब्ती सूची बनाई जा रही है ताकि इस पर जो है लीगल कार्रवाई की जा सके। हम आपको बता दें कि लगातार जो है SDM ईस्ट अमित कुमार और ASP टाउन के नेतृत्व में जो है अवैध फटाखे की बिक्री को लेकर छापेमारी की जा रही थी, जिसके बावजूद एक बार फिर सूचना मिली थी जिला प्रशासन को कि अवैध रूप से फटाखे की बिक्री की जा रही है। जिसके बाद एक बार फिर जो है SDM पूर्वी अमित कुमार और ASP टाउन भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में छाता बाजार में छापेमारी की गई है और भारी मात्रा में पटाखे को जब्त किया गया है। पूरे मामले को लेकर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ मजिस्ट्रेट है, क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई हुई है? छापेमारी की जा रही है, हम लोग जो है लिस्ट बना रहे हैं इसका। अच्छा ठीक है, इसके बाद जो है सील होगा दुकान। दुकान सील होगा, कितने दुकानों पर कार्रवाई की गई है? अभी तो चार दुकान है, चार दुकानों पर। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम गणेश कुमार हुआ। गणेश कुमार जी थे जिनको आप सुन रहे थे। आपको एक बार फिर से बता दें कि बढ़ते पोल्यूशन को लेकर बिहार के चार जिलों में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई थी, बावजूद इसके मुजफ्फरपुर में कुछ दुकानदारों के द्वारा अवैध रूप से पटाखे की बिक्री की जा रही थी, जिसकी सूचना पर आज SDM पूर्वी अमित कुमार और ASP टाउन भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में जो है पटाखे को जब्त किया गया है जो अवैध रूप से बेचा जा रहा है और फिलहाल जो है मजिस्ट्रेट दुकान पर तैनात होकर जब्ती सूची बना रहा है और उनका कहना है कि जब्ती सूची के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। पूरे मामले को लेकर SDM पूर्वी अमित कुमार और ASP टाउन भानु प्रताप सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, फिर जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। पटाखा दुकानों पर से रेड की गई है? हाँ, पटाखा दुकानों पर निरंतर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि मुजफ्फरपुर बिहार के उन चार जिलों में सम्मिलित है जिसमें ग्रीन पटाखा को भी प्रतिबंधित किया गया है और उसमें दोनों तरह के जो दुकानदार हैं या विक्रेता हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, जिन पर लाइसेंस है या लाइसेंस नहीं भी है, क्योंकि पटाखा पूर्णतः प्रतिबंधित है। और साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन का ये एक तरह से हम लोगों ने ये प्रयास भी किया है कि कोई रात को या चोरी छुपे न बेचे, तो उसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस बल भी तैनात किया जा रहा है। दुकानों पर सराय रेड की गई है? हाँ, पटाखा दुकान पर आज संयुक्त रूप से रेड की गई है। आज लगातार छापेमारी वहाँ की जा रही है और आज कई दुकानें खुली मिली हैं जिनके द्वारा अवैध रूप से पटाखे की बिक्री की जा रही थी, तो उनके उनमें जो भी पटाखा था उनका सीजर लिस्ट तैयार किया जा रहा है, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक तो तीन दुकान खुला पाया गया है, तो उन पर हमारे मजिस्ट्रेट लिस्ट बना रहे हैं कि कितना कितना कौन कौन सा आइटम है, उसके अनुसार आप लोगों को शाम तक वो भी पता चल जाएगा कि क्या क्या उसमें पकड़ाया गया और उसके अनुसार हम लोगों को सीज करेंगे फिर। अगर अवैध रूप से सर फटाखे की दुकान लगती है तो भी कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल होगी, हम लोग उसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और जहाँ भी हम लोग को सूचना प्राप्त होती है हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे।